जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त कार्तिक वाना, आपका स्वागत है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, जो गाड़ी आज मेरी व्हीकल लाया हूँ ये है ओनली 2023 हीरो HF डिलेक्स। ये BS6 फेस टू के साथ गाड़ी आ चुकी है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे स्टिकर आपको मिल जाता है, E20 सपोर्ट करे, E20 फ्यूल। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको इसका डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू देने वाला हूँ, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी गाड़ी कैसी है। दोस्तों ये ब्लैक और ग्रे कलर में आप देख रहे हैं, ये देखिए ग्रे स्टिकरिंग और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ आप गाड़ी देख रहे हैं, और भी कलर्स इसमें आते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात की जाए इसके एक शोरूम प्राइस की, तो लगभग 70,000 इसका एक शोरूम प्राइस है हैदराबाद में, और बात की जाए इसके ऑन रोड प्राइस की तो 91,000 इसका ऑन रोड प्राइस है हैदराबाद में। दोस्तों शोरूम का एड्रेस वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गो चेक इट आउट। दोस्तों बात की जाए इसके इंजन ब्रेक की, तो इसमें आपको 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयरकूल इंजन मिलता है, जो कि जनरेट करता है 8 PS की पावर एट 8000 RPM एंड 8.05 Nm टॉर्क एट 6000 RPM। दोस्तों बात की जाए ओवरऑल माइलेज की, तो बिल्कुल जैसे आपको स्प्लेंडर में जैसे 60-70 KMPL का आपको माइलेज मिलता है, इसमें भी लगभग उतना ही माइलेज आपको मिलता है। दोस्तों 60-70 KMPL का आपको कंपनी क्लियर माइलेज आपको मिलता है, कम भी मिल सकता है दोस्तों, ज्यादा भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ड्राइविंग कंडीशंस। दोस्तों बात की जाए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, 9.6 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाएगा। दोस्तों पूरा मेटल का फ्यूल टैंक आपको मिलता है। और बात की जाए ओवरऑल सीट हाइट की, तो 800 mm इसमें आपको सीट हाइट मिलता है, 805 mm का सीट हाइट, छोटे हाइट वाले भी आराम से चला सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी हाइट 5'1" है 5'2" है तो आप आराम से चला सकते हैं। और सबसे खास बात, गाड़ी बहुत लाइट वेट है, 110 किलो की गाड़ी है, लगभग 110 kg इसका गाड़ी का ओवरऑल वेट है, तो लाइट व्हीकल गाड़ी आपको मिल जाती है। दोस्तों बात की जाए ओवरऑल सीट लेंथ की, तो देख सकते हैं आप, देखिए सीट लेंथ देखिए आप, तीन लोग आराम से जा सकते हैं। दोस्तों हालांकि जाना नहीं चाहिए, पर इमरजेंसी रेंट तीन लोग आराम से जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिल्वर फिनिश में आपको ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है। दोस्तों देखिए बॉडी कलर में, जैसे देखिए यहाँ पे सिल्वर फिनिश आपको मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको मिल जाता है सिल्वर फिनिश में ग्रैब हैंडल। बात कीजिए ओवरऑल, मैं आपको फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं एक बार, बात कीजिए ओवरऑल फ्रंट लुक की, तो फ्रंट में आपको देखिए वाइजर के ऊपर हीरो का लोगो आपको मिल जाता है, छोटी सी क्रोम पट्टी के साथ, देखिए यहाँ पे क्रोम की टेपिंग आपको मिल जाती है हीरो के लोगो के ऊपर, ब्लैक डॉट वाइजर आपको मिल जाता है। दोस्तों हैलोजन हेडलैम्प आपको मिल जाता है, थ्रो भी काफी शानदार है इसका, यहाँ पे पायलट लैम्प आपको मिल जाता है, यहाँ पे नंबर प्लेट की पोजिशनिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं, दोस्तों देखिए हैलोजन टर्न इंडिकेटर काफी ब्राइट है आपको मिल जाता है, ब्राइट टर्न इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। बात कीजिए फ्रंट टायर सेक्शन की, फ्रंट टायर सेक्शन की, दोस्तों फ्रंट में आपको 1800R18 इंच का टायर सेक्शन आपको मिल जाता है, देखिए ये ट्यूबलेस टायर है, थोड़ा गंदा हुआ है दोस्तों माफ करना, 1800R18 इंच का टायर आपको मिल जाता है, सिल्वर कलर में आपको अलॉय व्हील्स आपको मिल जाता है, फ्रंट में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक आपको मिल जाता है। दोस्तों फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिल जाता है, ये मडगार्ड ब्लैक डॉट मडगार्ड आपको मिल जाता है, और रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे सिल्वर फिनिश में आपको लेग गार्ड आपको मिल जाता है। दोस्तों देखिए किक स्टार्टर आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। दोस्तों इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ गाड़ी आती है। दोस्तों अगर आप एक ब्रेक दबाएंगे तो दोनों ब्रेक्स एंगेज होंगे फ्रंट एंड बैक। बात की रियर टायर सेक्शन की, तो सेम टायर सेक्शन आपको मिल जाता है, 1800R18 इंच का टायर आपको मिल जाता है। दोस्तों देखिए दोस्तों ये रहा टायर सेक्शन, 1800R18 इंच का टायर आपको मिल जाता है, सेम 130 mm का ड्रम ब्रेक आपको मिल जाता है। दोस्तों सिल्वर अलॉय, सिल्वर फिनिश में अलॉय व्हील्स आपको मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाता है। दोस्तों बात की रियर सस्पेंशन की, तो रियर में आपको टू स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन आपको मिल जाता है, देखिए टू स्टेप एडजस्टर के साथ, ये देखिए यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट आपको मिल जाता है, हालांकि ये प्री डिलीवरी मॉडल, तो यहाँ पे क्रोम देखिए जब आप डिलीवरी लेंगे तब आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश का एक देखिए एक पट्टी आपको फिट करके देंगे, ये प्री डिलीवरी मॉडल है इसलिए इसमें फिट नहीं है अभी, जब आप डिलीवरी लेंगे तब आपको फिट करके दे देंगे। आप स्टिकरिंग देख सकते हैं, काफी शानदार स्टिकरिंग आपको मिल जाती है, इसमें और भी कलर्स आते हैं, देखिए यहाँ पे HF डिलेक्स स्टिकरिंग आपको मिल जाती है, i3 की स्टिकरिंग यहाँ पे मिल जाती है, सिल्वर और थोड़ा बहुत ये नेवी ब्लू कलर में आपको स्टिकरिंग आपको मिल जाता है, देखिए ब्लैक और काफी शानदार स्टिकरिंग आपको मिल जाता है इसमें, देखिए दोस्तों ओवरऑल गाड़ी कुछ ऐसे दिखती है। बात की जाए इसके ओवरऑल रियर लुक की, तो काफी मिनिमल सा रियर लुक आपको, नॉर्मल सा रियर लुक आपको मिल जाता है, यहाँ पे हीरो का स्टिकर आपको मिल जाता है, यहाँ पे हैलोजन ब्लेस आपको LED रिफ्लेक्टर, सॉरी अरे यार क्या बोल रहा हूँ, हैलोजन टेल लैंप आपको मिल जाता है, सॉरी दोस्तों थोड़ा कुछ गलती में उधर उधर निकल जाता हूँ, हैलोजन टेल लैंप आपको मिल जाता है। दोस्तों हैलोजन टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाता है, यहाँ पे नंबर प्लेट की पोजीशनिंग आपको मिल जाती है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है, ब्लैक डॉट मडगार्ड आपको मिल जाता है। दोस्तों बात की जाए ओवरऑल इस तरफ से इसकी लुक की बात की जाए, सेम रियर यहाँ पे रूप मिल जाता है, सिल्वर फिनिश में आपको इंजन बे आपको मिल जाता है, 4-speed गियरबॉक्स के साथ गाड़ी आती है। दोस्तों फाइबर में आपको चेन कवर आपको मिल जाता है, ब्लैक फाइबर चेन कवर, यहाँ पे सारी गार्ड आपको मिल जाता है, यहाँ पे लेडीज फुटरेस्ट आपको मिल जाता है। दोस्तों ये देखिए ये कुशनिंग आपको मिल जाता है, रबराइज फुटरेस्ट आपको मिल जाता है पिलियन और ड्राइवर के लिए, साइड स्टैंड कट ऑफ सीट आपको मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए पावर स्टार्टर के साथ आती है गाड़ी, दोस्तों परफॉर्मेंस FI परफॉर्मेंस फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ, इसमें ये i3s वाला वेरियंट आप देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे डेडिकेटेड बटन आपको मिल जाता है i3s। बात कीजिए हैंडल माउंटेड बटन की, तो यहाँ पे i3s का बटन हो गया, यहाँ पे होगा स्टार्ट स्विच आपको मिल जाता है। दोस्तों इस तरफ आपको देखिए पासिंग डेडिकेटेड ये हाई बीम लो बीम का बटन आपको मिल जाता है, अगर पासिंग यहाँ पे डेडिकेटेड पासिंग स्विच आपको नहीं मिलता है तो होना चाहिए था। दोस्तों यहाँ पे हैलोजन टर्न इंडिकेटर, देखिए टर्न इंडिकेटर का बटन आपको मिल जाता है, यहाँ पे सिंगल हॉर्न आपको मिल जाता है। दोस्तों इस गाड़ी में मैं आपको सुना देता हूँ, काफी लाउड हॉर्न आपको मिल जाता है, सिंगल हॉर्न है। बात की जाए इसके ओवरऑल MID की, तो एनालॉग MID आपको मिलता है। दोस्तों डिजिटल होता तो अच्छा होता, देखिए बिल्कुल स्पेंडर की तरह एनालॉग MID आपको मिल जाता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है,
यहाँ पे फ्यूल लेवल इंडिकेटर आपको मिल जाता है दोस्तों। इस तरफ आपको काफ़ी ऐसे ब्लू थी, ब्लू कलर का थीम आपको मेंटेन किया गया है। यहाँ पे देखिए 140 तक की टॉप स्पीड यहाँ पे मार्क की गई है दोस्तों। देखिए 140 तक की टॉप स्पीड। यहाँ पे साइड स्टैंड का आपको लाइट मिल जाएगा, I3S का लाइट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल का लाइट आपको मिल जाएगा, इंजन चेक लाइट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे पासिंग सीट का लाइट आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ओडोमीटर आपको मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों बात की जाए इसके इंजन साउंड की तो मैं आपको ऑन करके इसका इंजन साउंड दिखा देता हूँ। काफ़ी मिनिमल से साउंड आपको मिल जाता है दोस्तों इसके इंजन का। देखिए देखिए अभी आइडियल पे गाड़ी है दोस्तों, अभी आइडियल पे गाड़ी है। मैं थोड़ा रेव करके दिखाता हूँ आपको। देखिए साउंड देखिए काफ़ी लाउड मिनिमल सा साउंड है, जितना लाउड नहीं है, आप कानों में छुपेगा नहीं, आपको मिनिमल सा साउंड आपको मिल जाता है। बात की जाए इसके चाबियों की, नॉर्मल सी चाबी आपको मिल जाती है, बेसिक सी चाबी आपको मिल जाती है दोस्तों। दोस्तों ये था इसका ओवरऑल रिव्यू। अगर आप दोस्तों 100cc में एक बाइक देख रहे हैं तो ये आप ये बाइक देख सकते हैं। अगर आपको स्प्लेंडर की जगह और कोई बाइक चाहिए तो आप ये भी देख सकते हैं 100cc में। ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बाइक है स्प्लेंडर के बाद 100cc सेगमेंट में। दोस्तों ये था इसका ओवरऑल रिव्यू। दोस्तों और एक बात, कार दीवाना फैमिली 650 सब्सक्राइबर प्लस हो चुके हैं दोस्तों। धन्यवाद भाई जिन जिन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब किया, दिल से शुक्रिया भाई। भाई ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो भाई, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कर लेंगे, 1000 सब्सक्राइबर का गेम है। दिस इज कार दीवाना साइनिंग ऑफ। जय हिंद जय भारत।